अम्मी के नेल्स लंबे होते थे, फैशनेबल थी ना बड़ी, मुझे याद है नहलाती थी तो मुझे चुभते थे, मैं रोती थी कि काट दे। तीसरी थी ना तो मेरी दफा लड़के का इंतजार था, और सुना है कि मैं पैदा हुई तो वो रोने लगी कि लाइन लग गई। तो खाते थे, अम्मी कहती थी मुंह चुई तो टिड़क हुई है, खाना कितने जाता है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, आज बड़ा ही स्पेशल डे है मेरे लिए, और आप जानते हैं ये प्रोग्राम मेरी माँ, जिसमें आपकी दिलचस्पी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो, क्यों ना हो। माँ का सब्जेक्ट एक इटर्नल सब्जेक्ट है, और जितनी ख़वातीन उतनी माएँ उतनी सोचें, और आज जो हमारे बड़ी खुशकिस्मती मेरी आज वो आज हमारे पास तशरीफ़ लाई हैं अपना सारा टाइम निकाल के, लेकिन वो क्या करती, वो मना नहीं कर पाई जब उन्होंने सुना कि ये उनकी वालदा के बारे में होगा। और वैसे तो सारी दुनिया में हर माँ बहुत स्पेशल है, लेकिन ये मैं आपको वसूख से कह सकता हूँ कि जितनी लंबी एक तवील अरसे तक जो एक जिसे कहते हैं ना सोबत अपनी माँ की अगर हासिल की है तो खुशनसीब बुशरा अंसारी। अस्सलाम वालेकुम बुशरा, बहुत तवील आपके साथ वालदा, यू नो कितना अरसा वालदा हयात रही। अम्मी वाज 91 माशाल्लाह, अभी नवंबर में इंतकाल हुई है ना, और ये वाकई बड़ी खुशकिस्मती है। कई लोगों की माएँ तो बहुत अर्ली एज में चली जाती हैं, कभी उनके अपने ग्रैंड चिल्ड्रन भी नहीं देख पाती हैं। अम्मी ने ग्रैंड चिल्ड्रन के बच्चे भी देख लिए थे, ऐसे ही हमारी नानी भी थी, शी वाज 95 ग्रैंड चिल्ड्रन के भी बच्चे, ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन, सो वो बच्चे भी बड़े अटैच थे। और चूँकि अम्मी वैसे तो खैर काफ़ी दिन से 2-3 साल से तो काफ़ी मिजरेबल थी, बीमार थी और बहुत हेल्पलेस थी, और उन जैसी औरत जो कि अभी कोई 15 साल पहले हमने उनकी गाड़ी बिकवाई थी, वो ड्राइव करती थी, और वो भी हमने कहा कि प्लीज़ ये बड़ा लिबर्टी के पास रहते तो मैं ट्रैफिक है फलाना है, बड़ा मुश्किल से समझा बुझा के उनकी गाड़ी, क्योंकि वो थी उठो और चलो और करो और ये और वो और वो। और जो डाइवर्सिटी अगर आप हमें देखते हैं, मुझ में या असमा में या और में, डाइवर्सिटी नहीं, एक लफ्ज़ है एनर्जी और दूसरा लफ्ज़ है ची, बस वो चाइनीज़ ची कहते हैं उसको, एनर्जी। अम्मी की वजह से है, एक्चुअली हाउसवाइफ तो थी वो, मतलब ज़ाहिर एक मैट्रिक पास घरेलू सी लड़की से अब्बा ने शादी की थी, आवाज़ अच्छी थी, तो मेरे फादर म्यूज़िक लवर थे, उनको उस्ताद रख के दिया, तानपुरी के साथ गाती भी थी क्लासिकल, ना उन्होंने सिंगर बनना था ना वो स्टेज पर गाती थी, ना उन्होंने पैसे कमाने थे, पेंट वो करती थी, कपड़े वो सीती थी, कढ़ाई वाली जो एक मशीन होती है ना जो दुकानों पे होती है जिसमें पाँव से कढ़ाई, वो करती थी, निटिंग हमारे सब की, फिर एक स्मार्ट खूबसूरत गोरी चिट्टी प्यारी साड़ी पहनने वाली स्टाइलिश औरत भी थी। ये नहीं कि कोई बैठी हुई थी तो घर से कभी निकली नहीं, तो वो एक ऐसा था कि एक पूरा पैकेज था जो अभी आप देखें बुशरा, आप भी पूरा पैकेज है माशाल्लाह, बस हमारा तो फिर भी एक्सपोजर ऐसा हो, देखिए आपका एक्सपोजर तो ऐसा है कि पूरी दुनिया के सामने, ये जो आप बात कर रही हैं उनका एक्सपोजर तो डिफरेंट तरह से था, घरेलू खातून बच्चियों को पालना, सारी बच्चियां गाने गाने वाली, बिल्कुल, और एक से एक तेज, अच्छी बात ये थी कि एक से एक चलाक, एक से एक अम्मी बड़ी सीधी थी। अच्छा, मजे की बात की अब्बा की फैमिली जो थी ना वो जाहिर लिखने पढ़ने वाले भी थे, और ये जो हमारे पास बातों का चस्का है कि अब्बा की फैमिली से, अच्छा मेरी पुप्पी भी राइटर थी और रीन आतिफ, वो भी ऐसी गुफ्तगु करती थी, पंच लाइनें होती थी, तो हमारी अम्मी कोई बात बताने लगती थी तो मेरी पुप्पो कहती थी हुन तू छड़ दे भाभी, तू पंच लाइन खराब कर देनी है। अम्मी को वो नहीं आता था, ये अम्मी वैसे बहुत एक्टिव थी, और फिर फादर ने ये किया, मैं समझती बड़ी बात है कि उनको अपने साथ एज अ कंपेनियन हर जगह रखा, तो सारे अदबी लोगों से उनकी दोस्ती, मुमताज़ मुफ्ती की किताबों में मेरी अम्मी का जिक्र, इब्ने इंशा उनके पर्सनल फ्रेंड, मतलब अब्बा ने उनको ये नहीं कहा कि तुम पढ़ी लिखी नहीं हो या मैट्रिक पास हो या घर में रहो, उनके बगैर मेरे वालिद कहीं जाते ही नहीं थे, सब अदबी, मुन्नू भाई, बल्कि एक ज़माने में जब अब्बा की डेथ के बाद कुछ अरसे बाद वो कराची जब आई हुई थी तो मैं उनको ले गई किसी किताब की लॉन्च पे, तो जाके ऐसे हो गए, कहती हाय मैं इतने दिनों बाद आई हूँ, ऐसे सारे मेरे रिश्तेदार ने, क्योंकि सारी ज़िंदगी उन्होंने सहाफ़ियों अदीबों के साथ गुजारी, अब्बा की टाइप, क्योंकि मेरे फादर उनको छोड़ के कहीं गए ही नहीं, सो वो उनकी अलग तरह की ग्रूमिंग, अजीब आशिक लोग थे, बहुत आशिक। और अम्मी ने उनकी याद में जो किताब लिखी, जब नीलम ने मेरी बड़ी बहन ने जो खुद भी राइटर है, अम्मी को कहा हर वक्त रोती हैं, ये ले कागज़ और ये ले बैठे लिखे अपनी याददाश्त दे, उस किताब का नाम आप देखें, मैं और अहमद बशीर खून की एक लकीर, मैं और अहमद बशीर खून की एक लकीर, ये अम्मी की किताब का नाम है, सिंबॉलिक खून की एक लकीर, मतलब आप देखिए जो उनका साथ था ना,
मेरे फादर हर वक्त उनका हाथ पकड़े उनकी तारीफें करते थे। अच्छा बुशरा, ये हम क्योंकि बहुत एकदम शुरू हो गए, हम लोगों को अंदाज़ा नहीं हो रहा, बचपन में सबसे पहले जो आपकी याद है वालदा की वो क्या है? अम्मी के नेल्स लंबे होते थे, फैशनेबल थी ना बड़ी, जो याद है नहलाती थी तो मुझे चुपते थे, मैं रोती थी कि काट दे। ये मेरी बहन छोटी जो है ना मेरे से, उसका भी ये मसला था, मैं रोज उसकी रोने की आवाज से उठता था क्योंकि उसकी कोई लट जो थी ना खड़ी हो जाती। वो कहती थी बिठाओ, माँ कहती थी बिठाने की ट्राई कर, वो बैठता नहीं था। हर रोज एक जंग को जदल होती थी। तुम्हारा भी ऐसे ही लग रहा था? और फिर अम्मी जो थी, जाहिर है वैसे अम्मी वाज अ गुड मदर, एक सिंपल सी औरत थी, गुड मदर, लेकिन पता क्या, मैं तीसरी थी ना तो मेरी दफा लड़के का इंतजार था, और सुना है कि मैं पैदा हुई तो वो रोने लगे कि लाइन लग गई। अरे बुशरा का ये मैंने क्या सुना है कि नाम ही इसलिए रखते हैं कि बेटा अगला हो। तो इब्ने इंशा ने मेरा नाम रखा था ना थर्ड बेटी का। यार ये देखो उनको पता था ये टोटका किया है। उस जमाने में तुक्का चल जाता था, अल्लाह कह देते। कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा गम ये है कि भाई आपका एक पूरा वजूद माशाल्लाह और बुशरा अंसारी अब पूरे ग्लोब में मशहूर है उसने टैलेंट की वजह से, क्या इंडियन क्या चाइनीज जापानीज सब आपसे प्यार और इश्क करते हैं, तो कहीं ये थोड़ा सा नहीं उस वक्त मुझे क्या पता कि रोई थी, तो मेरे फादर ने कहा खबरदार रोई होगी मेरी बेटी है, वो तो मेरे बड़े डॉटर लविंग किस्म के। अच्छा तीसरी थी? तीसरी तो थी। बाप सबसे करीब किसके साथ? मेरे साथ। कोई बात नहीं, सारी मैंने मुझे कहती थी आपकी बड़ी बहन। नहीं सुने अब्बा का क्या, बुलापा ने मुझे कहा कि मैं नहीं उनको पता था, अब्बा कहते थे मशहूर थी ना। नहीं इसका भी मसला है, जब मैं छोटी थी तो मैं कभी किसी से, मुझे जैसे बहने पांच बहने ऊपर, पांच साल ऊपर बड़ी बहने थी, पाँच साल नीचे छोटे बहन भाई थे, मैं बीच में थी, मुझे मज़ा नहीं आता था कहीं, और मैं किसी न किसी बात पे पिटपुट जाती थी, अम्मी दो चार थप्पड़ लगा देती थी। एक मिनट रुकिए, हाँ क्या कहा आपने? पिटाई हो जाती थी। हाँ ठंडी चुराने पे हुई आपकी मारी मारती थप्पड़ लगाया? नहीं यार। हाँ दो तीन दफा डरती थी। हाँ तो और क्या, बहुत शरारत की होगी, पता नहीं क्या फिरती रहती थी, साइकिल चलाती थी। आपने बच्चों को? नहीं मैंने मीरा को थोड़ा सा एक दो दफा चुटकी भरी कि मुंह चलाओ, खाना खाते हुए मुंह में रख लेती थी ना। मैंने कहा खत्म करो इसको, अच्छा लेकिन नरे मान गई, उसने तंग नहीं किया, छोटी खाना नहीं खाती थी ना तो उसके पीछे पीछे मैं फिरती थी, हाथ दुख जाता था सबसे। उसको तो तुम लोगों ने बिगाड़, अभी ठीक है अब तो अपने बच्चों को खिलाती है, ऐसे बच्चे पाले। मेरी भी फूफो थी, उसकी जो बच्ची थी ना सबसे छोटी वाली, हम उसको देखते थे। अच्छा हम दूसरे टाइप के थे, हमें तो रोका जाता खाना ज्यादा खाए। नहीं ऐसे भी तो वो खाना नहीं खाती, पहली बच्ची देखी मैंने, इसको भी नहीं देखा था कितनी स्पॉइल्ड। ऑफ कोर्स मैंने देखा, मैंने काम उसका जो बाप है लेके घूम रहे जी, और वो मैं बाप दादी सब पीछे पीछे थे। अब उसके बच्चे माशाल्लाह वो एक अलग टॉपिक है, उसने इतने अच्छे ट्रेन किए, खाना रख देती है कहती ओके मामा थैंक यू, मैंने कहा कहती हाँ मैंने आपकी तरह मार के नहीं खिलाया, मैंने कहा तो खाती नहीं तो मैं क्या करती। तुम लोग तो खाते हो गए, तुम लोग तो हम लोग तो खाते थे, अम्मी कहती थी मुँह चुई तो टिड खुई है, खाना कितने जाना है। लेकिन खाना, और अम्मी के खाने के बारे में मुमताज मुफ्ती की किताबों में जिक्र है, औखे लोग में मोदी का, अब मैं कह नहीं सकती, करेलों को कहते थे गंजर करेले, उनका अम्मी का नाम महमूदा था, सब लोग मोदी कहते थे, तो वो मोदी की बातें लोग कई दफा मुझे कहते हैं, हमने मुमताज मुफ्ती की किताबों में पढ़ा आपकी अम्मी का नाम मोदी था, मैंने कहा जी जी जी। तो इब्ने कहा यार अब तो मुमताज मुफ्ती साहब जैसे क्रॉनिकलर्स मिलते नहीं, काम नहीं करते, किताबें लिखना और पढ़ना छोड़ दी लोगों ने। अच्छा हमको क्या करती थी अम्मी, मैं ये नहीं कहती कि बड़ी सख्त माँ थी, उनकी ये ट्रेनिंग थी, मगर चूंकि वो खुद ये सब कुछ करती थी, मुझे भी एम्ब्रॉयडरी आती है, मुझे क्रोशिया बुनना भी आता है, मुझे देख देख के, क्योंकि क्रिएटिव चीज़ है ना। अस्मा को तो सिलाई बहुत अच्छी आती है, वो सुबह कपड़ा ला के शाम को पहन के खड़ी हो जाती थी, सो हमने हमारी माँ ने ये सब किया तो हमको ये आता था, और हम बैठ के सब पांचों गाने गाते थे। नहीं मीरा को नहीं आता इस बात पे, छोटी सी नरेमान को भी नहीं आता। नहीं। देखे अपनी भी औलाद को बिगाड़ा, ये होता है आने वाले वक्तों में ये नस्लें क्या कर रही हैं।